जब तुम्हें पता है कि मैं एक किन्नर हूँ तो तू प्रेग्नेंट कैसे हो गई? कहाँ मुंह काला करके आई रे करमजली मुकाली? तुम्हारी माँ हर रोज मुझे बच्चा दो करके परेशान कर रही थी, तो मैं क्या करूँ? कहाँ से लाऊं बच्चा? खरीद के बाजार से लेके आऊंगी क्या? ये है शुभम, जो कि एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था। उसकी उम्र भी काफी हो गई थी, लेकिन शादी अभी तक नहीं हो रही थी। कारण शुभम शादी करने से इनकार कर देता था हमेशा। ये है शुभम की माँ रमा देवी, जो कि अपनी बेटे की शादी को लेकर काफी परेशान थी। अरे बेटा, अब तू शादी कब करेगा? कितनी उम्र हो गई है, और देख मेरी भी उम्र हो गई है। अब तो पोता पोती को खिलाने की उम्र है, एक शादी तो कर ले बेटा। न जाने कब चल बसू, उससे पहले अपने पोता पोती को अपने हाथों से खिलाना चाहती हूँ बेटा। रमा देवी को जब भी मौका मिलता वो अपने बेटे के साथ शादी करने की बात हमेशा करता रहता, लेकिन उसका बेटा शुभम हमेशा ही शादी की बात को टालता रहता था। अरे माँ, क्या शादी शादी हमेशा? कर लूँगा ना, अभी तो पूरी उम्र बाकी है। अभी मैं जाता हूँ, थोड़ा सा काम है। फिर शुभम उठकर वहाँ से चला जाता है। अरे इस बेटे का भी क्या हो गया है, नहीं पता क्यों शादी से हमेशा पीछे भागते रहता है। लेकिन मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दूंगी, कुछ जरूर करूंगी बेटा। रमा देवी और शुभम दोनों पहुँचते हैं मधुवाला के घर उनकी बेटी को देखने के लिए। शुभम का तो मन नहीं था, लेकिन उसकी माँ की जीत के आगे उसे हारना पड़ा और आना पड़ा। अरे रमा देवी जी, आपका बेटा क्या काम करता है? अरे मेरा बेटा बड़े से कंपनी में काम करता है, उसे पैसों की कोई कमी नहीं है, बस हमें एक सुंदर सी बहू चाहिए मेरे बेटे के लिए। इधर मधुवाला मनी मन सोचती है, अरे बहुत पैसा है, मेरी बेटी का शादी अगर इससे हो गया तो मेरी बेटी राज करेगी राज। जैसे भी हो करके रिश्ता घुमाना नहीं चाहिए, जैसे भी हो रिश्ता करवा ही देना है इसके साथ। अरे मधुबाला जी, क्या सोच में पड़ गए? बेटी को तो बुलाइए, जरा देख तो ले आपकी बेटी कैसी है। अरे हाँ हाँ, अभी बुलाई देती हूँ। अरे बेटी सुषमा, जरा मेहमानों के लिए चाय वगैरह तो लेके आ। फिर मधुबाला की बेटी सुषमा मेहमानों के लिए चाय लेकर आती है। अरे आपकी बेटी सुषमा तो बड़ी ही सुंदर है। अरे मैं तो कह ही रही थी, मेरी बेटी लाखों में एक है। ये लीजिए चाची चाय। अरे अरे बाबा बेटी, तुम्हारी आवाज भी खूबसूरत है, आप लोगों को मेरी बेटी पसंद आई? अरे हाँ मधुबाला जी, मुझे तो बहुत पसंद है, बस शुभम से पूछना है। बेटा शुभम, तुझे कैसी लगी लड़की? शुभम के आगे हाँ कहने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो कहता है, ठीक है माँ, आपको जैसा ठीक लगे कर दो। ये सुनकर रमा देवी काफी खुश हो जाती है। फिर मंदिर में शुभम और सुषमा की शादी करा दी जाती है। चलो अच्छा है बला टली। अरे मधुबाला जी, कुछ कह रहे हैं क्या? अरे नहीं नहीं, वो मैं कह रही थी शादी संपन्न हुई। आज सुषमा और शुभम की सुहागरात है, बिस्तर को फूलों से सजाया गया था। सुषमा अपने पति शुभम का इंतजार कर रही होती है कि कुछ ही समय में शुभम वहाँ पहुँचता है। सुषमा ये देख बिस्तर से नीचे आकर खड़ी हो जाती है, तभी शुभम कहता है, अरे सुषमा अभी तक तुम सोई नहीं, इतनी रात तक जगी हुई हो। अरे आज हमारी सुहाग रात है, आज कैसे सो सकती हूँ मैं? अरे सुहाग रात है तो क्या हुआ, शादी हो गई, अब कभी भी सुहाग रात बना सकता हूँ। तुम सो जाओ, मुझे कुछ काम है, रात भर काम करनी है, कल सुबह ऑफिस में जमा करना है, तो मैं तो जा रहा हूँ काम करने के लिए, तुम सो जाना। ये कहते हुए शुभम वहाँ से चला जाता है। और इधर सुषमा मनी मन सोचती है, अरे ये कैसा आदमी है, मम्मी ने मुझे किससे शादी दिला दी, ये तो आज स्वागत के दिन भी काम करने जा रहा है, तो मेरी जिंदगी का क्या होगा। जो एक सुबह शुभम ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर खड़ा था और सुषमा को आवाज लगाता है, अरे सुषमा, अरे सुषमा किधर हो, जल्दी बैग लेके आओ, ऑफिस जाना है। अरे हाँ जी आ ही गई। सुषमा ऑफिस का बैग लिए शुभम के पास पहुंचता है
और करीब जाकर कहता है, अरे क्या हो गया, इतनी हड़बड़ी भी क्या है, ऑफिस ही तो जाना है। ये कहते कहते सुषमा शुभम के करीब जाती है, तभी शुभम कहता है, अरे अरे ये क्या कर रही हो, इतने करीब क्यों आ रही हो, अभी मुझे लेट हो रहा, ऑफिस जाने दो। क्या जी, जब भी मैं आपके करीब आने की कोशिश करती हूँ आप मुझे दूर क्यों कर देते हैं। अरे सुषमा ये सब मुझे पसंद नहीं है, बैग लाओ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। शुभम सुषमा के हाथ से ऑफिस बैग ले लेता है और ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। अरे ये आदमी को क्या हो गया है, जब भी मैं करीब आने की कोशिश करती हूँ ये हमेशा मुझसे दूर भागता है, जरूर कुछ बात है जो ये मुझसे छुपा रहा है, मुझे पता लगाना होगा। एक सुबह सुषमा पूजा कर रही होती है, तभी उसकी सास रमा देवी वहाँ पहुँचती है। अरे बहू सुषमा क्या कर रही हो बेटी, पूजा कर लो। हाँ माँ जी वो हो ही गया, बताइए कुछ बोल रही थी क्या। अरे नहीं कुछ खास बात नहीं है, ऐसे ही मैं। अरे माँ जी कहिए, मन में बात नहीं रखनी चाहिए, बोल दीजिए। अरे जब तू इतने जीत कर रही है तो कह ही देती हूँ। बेटी शादी को तो काफी दिन हो गए, हमें पोता पोती का मुँह कब दिखा रही हो। सुषमा को अब ये समझ में नहीं आता है कि वो अपने सास को इसका जवाब क्या दे। अरे माँ जी आप चिंता क्यों कर रहे, जरूर खुशखबरी मिलेगी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ये कहते हुए सुषमा वहाँ से चली जाती है और इधर इसकी सास, अब लगता है मुझे जरूर खुशखबरी मिलेगी जल्दी ही। कमरे में सुषमा काफी परेशान होती है। अरे अब मैं क्या करूँ, ये मेरा पति है कि मेरे करीब आता नहीं है, और एक मेरी सास है उसे पोता पोती का मुंह देखना है, अब मैं कहाँ से लाऊं ये पोता पोती। एक रोज रमा देवी कुछ खाना बना रही थी, तभी अपने बहू से कहती है, अरे बहू जरा वो चम्मच देना। हाँ माँ जी देती हूँ। जैसे ही सुषमा चम्मच लेने के लिए जाती है उसका सर चकरा जाता है और वो वहीं गिर पड़ती है। अरे बहू बहू क्या हो गया तुझे बहू, अरे शुभम शुभम जल्दी आ इधर देख। शुभम जल्दी से डॉक्टर को लेके आते हैं, डॉक्टर साहब सुषमा को अच्छी तरह से चेक करते हैं। अरे डॉक्टर साहब क्या हुआ है, अचानक से क्यों सर चकरा के गिर गई, कोई विशेष बात तो नहीं है ना। हाँ डॉक्टर साहब जरा बताइए ना क्या हुआ है मेरी बहू को। अरे माँ जी कोई घबराने वाली बात नहीं है, खुशखबरी है, माँ बनने वाली है आपकी बहू। ये सुनकर रमा देवी काफी खुश हो जाती है, लेकिन इधर शुभम के मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। अरे बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, अब तो मैं अपने पोता पोती के साथ खेलूंगी। ठीक है शुभम जी चलिए मेरे साथ, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, उसे ठीक समय पे दे दीजिएगा, बस वो स्वस्थ हो जाएगी। डॉक्टर साहब शुभम के साथ वहाँ से चले जाते हैं और इधर उसकी सास सुषमा के पास आती है और उसे कहती है, अरे बहू बहुत बहुत धन्यवाद तेरा, तू मुझे इतनी खुशी दी है, तू सोच नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ, मैं अभी जाकर भगवान को लड्डू चढ़ा के आती हूँ। उसकी सास खुश होकर चली जाती है भगवान की पूजा करने के लिए, तभी वहाँ पर शुभम पहुँचता है। अरे सुषमा तुझे भी पता है कि मैं तुझसे दूर क्यों रहता हूँ, अब तो तुझे भी पता चल गया है कि मैं एक किन्नर हूँ और मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता, तो ये बच्चा कहाँ से आया, कहाँ तुम मुँह काला करके आ गई। अरे जब आपको पता है कि आप किन्नर हैं, तो मुझसे शादी क्यों किए, आप मेरे पास आते नहीं है और आपकी माँ हमेशा बच्चा दो करती है, मैं कहाँ से बच्चा लाऊं, बाजार से खरीद के लाऊं क्या बच्चा। कहीं से भी लाती, अब सच सच बता दे ये बच्चा किसका है। ये बच्चा किसी का नहीं है, ये बच्चा सिर्फ मेरा है। ये कैसे हो सकता है, एक औरत सिर्फ अपने से बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, ये तो तुझे भी पता है और मुझे भी, जरा झोल मत बना और साफ साफ बता ये बच्चा किसका है। हाँ मैं सच कह रही हूँ, मैं IVF के थ्रू बच्चा ली हूँ, ताकि आपके माँ को आपकी सच्चाई पता ना चले कि आप एक किन्नर हैं, अगर उनको पता चल गई तो वो तो खुदकुशी कर लेंगे। सच्चाई सुनने के बाद शुभम को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। अरे सुषमा मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुझे जब पता था कि मैं किन्नर हूँ तब भी तू इतना सहती रही, और मेरी इज्जत के खातिर तू इतना सब कुछ कर रही है। क्या करूँ आपसे शादी जो हो गई है, अब शादी की हो तो निभाना तो पड़ेगा, भले ही बच्चा नहीं दे सकते लेकिन पति तो आप मेरा ही है ना। कुछ समय बाद सुषमा को एक प्यारा सा बच्चा होता है, जिससे उसका पूरा परिवार काफी खुश होता है,
और सबसे ज्यादा खुश तो उसकी सास रमा देवी होती है। अरे बहू लाओ मुझे दो। हाँ माँ जी ये लीजिए। अरे मेरा राजा बेटा, अरे ले 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 ले, अरे मेरा राजा बेटा। अब पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं और सुषमा शुभम का राज को राज ही रहने देती है। आज रेखा की सुहागरात है। रेखा घूंघट ओढ़े, लाल जोड़ा पहने, हाथ में दूध का ग्लास लिए अपने पति का इंतजार कर रही होती है। तभी कुछ ही समय में रेखा का पति रवि वहाँ पहुँचता है। रवि जैसे ही रेखा को लाल जोड़े में देखता है वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है, खुद को संभाल नहीं पाता है। तभी रेखा कहती है उससे, अरे अरे क्या हो गया आपको, क्या हो गया आपको? और देखते ही देखते रवि एक बड़े से छिपकली में बदल जाता है। ये देख रेखा काफी डर जाती है और हाथ से दूध का ग्लास गिर जाता है और जोर से चीखती है। इधर छिपकली बना रवि तभी तुरंत ही अपना एक लंबा सा जीभ निकालता है और रेखा को अपने मुंह के अंदर निगल लेता है। दूसरी सुबह रवि की माँ बिमला देवी जब अपने बेटे और बहू की कोई आवाज नहीं सुन पाती है तो वो रवि के कमरे में आती है और आकर देखती है कि रवि वहाँ बेहोश पड़ा है। वो तुरंत अपने बेटे के पास जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। अरे बेटा रवि, रवि क्या हो गया बेटा तुझे? रवि अरे बहू कहाँ है? रवि को धीरे धीरे होश आता है तो वो उठकर कहता है, हाँ माँ, माँ क्या हुआ? अरे बेटा तू यहाँ गिरा हुआ है, बहू कहाँ है बेटा? अरे माँ मुझे कुछ याद नहीं है, कल रात को क्या हुआ कुछ भी याद नहीं है, अभी मुझे होश आया। अरे मेरी बहू कहाँ चली गई? जरूर उसका किसी के साथ चक्कर होगा, इसीलिए तो शायद मेरे रवि को बेहोश करके भाग गई होगी। चिंता मत कर बेटा, मैं तेरी दूसरी शादी दूंगी, नई बहू लेके आऊंगी तेरे लिए मैं। कुछ महीने बाद बिमला देवी अपने बेटे रवि की शादी फिर एक नई लड़की शोभा के साथ दे देते हैं। आप लोगों का शादी संपन्न हुआ, आप जाके बड़ों का आशीर्वाद लीजिए और अपने जीवन में खुश रहिए। फिर रवि और शोभा दोनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। आज भी कमरे को फूलों से सजाया गया था पहले की तरह। बिमला देवी सोचती है, अरे इस बार मैं यहाँ छुप जाती हूँ और छुप के देखती हूँ कहीं ये मेरी बहू भी पहले की तरह भाग गई तो मेरा बेटा ऐसे ही कुवारा रह जाएगा। बिमला देवी के मन में डर था कि कहीं ये बहू भी भाग ना जाए, इसीलिए बिमला देवी जाकर छुप जाती है। रात का समय हो रहा था। शोभा लाल जोड़े में, माथे पर घूंघट ओढ़े, हाथ में दूध का ग्लास लिए रवि का इंतजार कर रही थी और उधर छुप छुप के बिमला देवी ये सब देख रही थी। तभी वहाँ रवि आता है और रवि अपनी पत्नी शोभा को जैसे ही लाल जोड़े में देखता है वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है मेरे बेटे को, मैं जाऊँ मेरे बेटे के पास? नहीं नहीं नहीं, थोड़ी देर रुक जाती हूँ, पहले देखती हूँ क्या होता है। बिमला देवी नहीं आती है और छुप छुप कर देखने लगती है आखिर रवि का हो क्या रहा है। कुछ ही समय में रवि का तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। तभी शोभा कहती है, अरे रवि क्या हो गया आपको, आपकी तबीयत खराब हो रही है क्या, मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊं? और देखते ही देखते रवि एक बड़े से छिपकली में बदल जाता है। ये देख रेखा काफी डर जाती है, हाथ से दूध का ग्लास गिर जाता है और चीखने चिल्लाने लगती है। एक साल पहले की बात है, कॉलेज के समय में रवि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमते घूमते एक जंगल में जाता है जहां एक गुफा में एक बाबा तपस्या कर रहे थे। ये देख रवि कहता है अपनी गर्लफ्रेंड से, अरे नैना वो देख
तपस्या कर रहे हैं ढोंगी बाबा, वो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। लगता है उनसे वरदान लेंगे। अरे रवि ऐसे नहीं कहते, वो अपना तपस्या कर रहे, हमें चलना चाहिए यहाँ से, चलो। अरे नहीं नहीं चलना, उससे पूछते हैं कौन सा वरदान मिला है उसे। अरे नहीं रवि चलो यहाँ से। रवि नैना की बात नहीं मानता है और वो उस बाबा के पास जाकर बाबा से कहता है, अरे ओ ढोंगी बाबा क्या कर रहे हो यहाँ बैठकर। वो बाबा अपनी तपस्या में लीन थे, वो इनकी बात नहीं सुन रहे थे, तब भी रवि नहीं मानता है और फिर से कहता है, अरे ओ ढोंगी बाबा यहाँ कौन सा ढोंग मचा रहे हो। तभी अचानक से वो बाबा का तपस्या भंग हो जाता है, वो गुस्से से रवि की ओर देखता है और कहता है, मूर्ख बालक तुमने मेरी बरसों की तपस्या भंग कर दी, तुम्हें श्राप लगेगा। अरे ओ ढोंगी बाबा ये श्राप वगैरह इस युग में नहीं होता है, चलो चलो जाओ यहाँ से। मूर्ख बालक मैं तुझे श्राप देता हूँ, जैसे तू इस कन्या के साथ आकर मेरी तपस्या को भंग किया है, उसी प्रकार तू जब भी शादी करेगा सुहागरात के दिन, तू एक बड़े से छिपकली में बदल जाएगा और अपनी ही पत्नी को खुद निगल लेगा। अरे बाबा बाबा इसे माफ कर दो, इससे गलती हो गई। अरे नैना तुम भी किसकी बात मानती हो, किसी भी ढोंगी की, चलो यहाँ से चलते हैं, ये बकवास कर रहा है। जाओ जाओ एक दिन मेरे पास ही तुम्हें वापस आना पड़ेगा। रवि बाबा की कुछ बात नहीं मानता है, सभी को हंसी मजाक में ले लेता है और नैना के साथ वहाँ से चल देता है। बचाओ बचाओ माँ जी बचाइए मुझे। बिमला देवी भी ये देख कर आश्चर्यचकित हो जाती है और डर के कारण बाहर नहीं निकलती है और छुप छुप कर ये देखती है। तभी अचानक से रवि अपना बड़ा सा जीभ निकालता है और देखते ही देखते शोभा को पूरी तरह से निगल लेता है और कुछ ही समय में फिर से रवि अपने वापस से मानव रूप में आ जाता है और बेहोश होकर गिर पड़ता है। अरे इसका मतलब इससे पहले वाली बहू को भी रवि ने ही खा लिया था, ये क्या हो रहा है, कल ही मुझे बाबा के पास जाना पड़ेगा, अपने बेटे को इस भयानक छिपकली से मुक्ति दिलाना पड़ेगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बिमला देवी अपने बेटे को बचाने के लिए ढूंढते ढूंढते जंगल में एक बाबा के पास आती है, ये वही बाबा है जिसने रवि को श्राप दिया था। बिमला देवी उस बाबा के पास पहुंचती है। अरे बेटी कहो क्या समस्या पड़ी कि तुम इस वन में आई। बाबा समस्या काफी बड़ी है, इसीलिए तो आपके पास आना पड़ा। बताओ बेटी क्या समस्या है। बिमला देवी उसके बेटे रवि के साथ घटित सारी घटनाएं बाबा को बता देती है। बाबा को समझ में आ गया था कि ये उन्हीं के श्राप का ये फल है। चिंता मत करो बेटी, तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर होगा। ये लो बेटी ये एक ताबीज है, ये ताबीज तुम अपने बेटे को पहना देना, अब से और कोई अघटन नहीं होगी। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। ठीक है बेटी अब तुम जाओ। बिमला देवी वो ताबीज अपने बेटे को पहना देती है और मंदिर में आकर राधा के साथ अपने बेटे की शादी दिलाती है। नई बहू राधा फूलों से सजा हुआ कमरा, लाल जोड़े में हाथ में एक दूध का ग्लास लिए रवि का इंतजार कर रही थी। तभी वहां रवि आता है धीरे धीरे। सुबह का वक्त हो रहा था, बिमला देवी अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी राधा वहां पहुंचती है चाय का कप लिए। माँ जी आपके लिए चाय लेके आई हूँ। बिमला देवी अपनी बहू राधा को देखकर काफी प्रसन्न हो जाती है। अरे बाबा आपका वो ताबीज काम आया, मेरी बहू अभी जीवित है, जय हो बाबा की जय हो। बाबा की वो ताबीज काम आती है। अब रवि सुहागरात की रात छिपकली में परिवर्तन नहीं होता है।